अज बहुत ही दुख भरिया समाचार प्राप्त होया कि पंजाबी दे महान गायक और साडे पंजाब दे कांग्रेस पार्टी दे नेता सिद्धू मूसेवाले जी का कत्ल कर दिता गया। ये बहुत ही मंदभागी घटना। मैं सिद्धू मूसेवाला जी दे मौत ते अफसोस प्रगट करदा और परिवार नाल जिहड़ा दुख जताउना। मैं बेनती करदा पंजाब दे लोकां नूं कि जिहड़ी भगवंत मान सरकार है ये सब तो घटिया सरकार है, फेल सरकार है, ये लोगों की जान माल की रक्षा करने में नाकाम सरकार है और इन्होंने अपने लिए तो जोड़े आ 8-8, 9-9 गनमैन रख्या हुआ केजरीवाल को जोड़े आ गनमैन दिते हुए जोड़े इन्होंने चड्डा चुड्डे होर सारे जिन्हें MLA आ सारे ही कल चली पंजाबिया गनमैन ले फिरते हैं, लेकिन जिन्हें लोगों ने पंजाब की लंबे समय तो सेवा की है, सारी जिंदगी जी समाज की सेवा चलाई है, धार्मिक शख्सियत श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार और राधा स्वामी महाराज होर जो धार्मिक डेरे उन्होंने भी इन्होंने सुरक्षा वापस ली, संत बल्लाले की भी इन्होंने जी है सुरक्षा वापस ली है और जो सबका वजीर है सबका MLA है जिड़िया बहुत अहम शख्सियत उन्होंने सुरक्षा वापस ली है, पर सुरक्षा जी है वो किसी को वापस लैंड तो बाद दसिया नहीं जाता, लेकिन यह भी अपनी मान साहब जो तो लोगों का वादे किए वो तो दस नहीं रहे कि कदों पूरे करने हैं, लेकिन इस तरह घटिया गल करके वो लोगों के एक अपना जो प्रभाव बनाते हैं। तो मैं बेनती करता कि यह जी सिद्धू मूसेवाले के कतल की जिम्मेवारी है ये भगवंत मान जी के सिर पर है और उन्होंने खिलाफ जो कतल का परचा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने परसों ही सुरक्षा वापस ली तो अखबारों के दिता TV के उपर खबर दिखाई तो इस करके लोग हम जगह जो मर्जी मार दो उन्होंने सुरक्षा वापस ले ली है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और मान जो गृह मंत्री अमित शाह जी को बेनती करता कि पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो कतल का परचा दर्ज हो और जो जिन्हें लोगों ने सिद्धू मूसेवाले का कतल किया उन्होंने तुरंत जांच करके फड़िया जाए और उन्होंने सख्त सजावं दी जा। मैं एक बार फिर जो सिद्धू मूसेवाले के जोड़े कतल के उपर जो अफसोस प्रकट करता और परिवार नाल और पंजाब के पंजाबियों अपना जो दुख साझा करना। वाहेगुरू।